वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हल्दी टर्मरिक के प्रोडक्शन को कैसे 40% से ज्यादा बढ़ाया जाए। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और एमबीए इक्विवेलेंट किया है। मुझे 22 से 23 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में। मैं उत्कर्ष एग्रोकैम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी में हम 130 से ज़्यादा नॉन पॉइजनस उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो आप www.utkarshagro.com पर जा सकते हैं। इन 22 23 सालों में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है, खास करके क्रॉप्स जैसे कि केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, गन्ना, चीकू, अमरूद, सब्जियां और जैविक खेती के अंदर। मैं आई एम जम्मू और ईडीआई का विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ मुझे करनी होती है। और दूसरी मेरी दूसरी कंपनी है ट्रीज वाला टेक्नोलॉजीज LLP, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। इस कंपनी में हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, जंगल बनाते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं। ज़्यादा विगत के लिए, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.treeswale.com देख सकते हैं। दोनों कंपनी हमारी सूरत स्थित है। प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो हम इस वेबिनार में देखेंगे कि क्लाइमेट और सॉइल के बारे में, प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, इरिगेशन के बारे में, इंटरक्रॉपिंग, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग और यील्ड, और इससे लगता काफी सारे डिटेल और बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में। क्लाइमेट, हल्दी जो है वो एक ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब कि जो भारत का जो ज्यादा क्लाइमेट है वो एक उस तरह की हर्ब है, और ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक दोनों जगह उगती है। सब ट्रॉपिक इसको बोलते हैं कि ट्रॉपिक क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें गर्मी और मॉइस्चर, इस तरह का क्लाइमेट चाहिए रहता है। और क्लाइमेट रेंज नॉर्मली 21 से लेके 28 तक अच्छा रहता है, 35 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम जाता है तो ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। और हल्दी उस क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ पे सालाना बरसात 70 से 225 सेंटीमीटर होती है। हल्दी को ऊंची पहाड़ी इलाके में जहाँ ऊंचा रहता है 1200 से 1500 मीटर एल्टीट्यूड पे भी उगती है। हल्दी जो है वो छाँव के अंदर आराम से उगती है, और मतलब 59 से 73% रिलेटिव लाइट इंटेंसिटी में भी अच्छी यील्ड, मतलब 238 ग्राम पर प्लांट, और अच्छा क्यूरक्यूमिन कंटेंट। क्यूरक्यूमिन कंटेंट, क्यूरक्यूमिन वो होता है जो हल्दी के अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से हल्दी की क्वालिटी कैसी है वो हमें पता चलता है। सॉइल कंडीशन, जमीन, हल्दी को अलग अलग किस्म की सॉइल के अंदर उगाया जा सकता है, जैसे कि लाइट काली सॉइल रहती है, लाल सॉइल रहती है, क्ले वाली सॉइल रहती है, रिच क्ले वाली सॉइल रहती है, लेकिन वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, अच्छा उत्पादन जो पानी छोड़ देती है, वेल ड्रेन फर्टाइल, मतलब कि अच्छा उत्पादन देने वाली रेताल जमीन से लेकर थोड़ी बहुत भूरी मिट्टी के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरह की मिट्टी जिसके अंदर ह्यूमस कंटेंट, मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा हो और उसका पीएच रेंज 4.5 से 7.5 के बीच में हो। नॉर्मली इसे मीडियम से हाई लैंड सिचुएशन में उगाया जा सकता है। नॉर्मली हल्दी जहाँ पानी भरा रहता है या हाई अल्कलाइन जमीन होती है उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं होती सीड की तैयारी। जो इसका सीड रहता है वो उसकी कांठे रहती है, उसको राइजोम कहा जाता है। दोनों मातृ गांठ और उसके आसपास की जो फिंगर्स, उंगलियां रहती हैं, मतलब जो मातृ गांठ के आसपास से जो निकलती है उसे फिंगर राइजम्स कहा जाता है। दोनों को सीड की तरह यूज करते हैं। जो जो फिंगर्स होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, और 1 से 2 आंखें होती हैं उसकी। मदर राइजोम को इस तरह से लगा जाता है कि उसके 1 के 2 टुकड़े किया जा सके। तो क्या है कि दोनों के अंदर एक एक अच्छी अच्छा बर्ड हो उसके अंदर। नॉर्मली अच्छा उत्पादन लेने के लिए मदर मातृ गांठ को प्रिफर किया जाता है, क्योंकि 50% ज़्यादा यील्ड देखी जाती है फिंगर राइजोम की बजाय, और ग्रोथ भी अच्छा था उसके अंदर। बड़ी साइज की भरी हुई हेल्दी मातृ छोड़ अगर लेते हैं तो उसका 100 ग्राम के आसपास का वजन होता है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है।
कैसे उसको आगे बढ़ाया, प्रोपोगेशन और सीड रेट। जैसे मैंने बताया कि मदर राइजोम या उसके जो फिंगर राइजोम होते हैं उनको ही इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन प्लांटिंग का मटेरियल कैसा है, आप कौन से अंतराल पर रखने वाले हो, वजन कितना है राइजोम का, तो उसके हिसाब से अगर आप मातृ गांठे ले रहे हो तो 800 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ चाहिए। अगर आप फिंगर राइजोम ले रहे हो तो आपको 600 से 800 किलोग्राम प्रति एकड़ चाहिए। अगर आप ऐसे इंटरक्रॉप के लिए कर रहे हो फ्रूट गार्डन के अंदर जिसमें दूसरे क्रॉप है जैसे केला है, पपीता है, आगे मैं इंटरक्रॉपिंग का मिक्स क्रॉपिंग के बारे में बताऊंगा, तो आपको 160 से 250 किलोग्राम प्रति एकड़ ही सीड चाहिए। सीड ट्रीटमेंट, तो सीड राइजोम जो होते हैं उसको नॉर्मली अगर केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप पोस्टलोन या मोनोक्रोटोफोस या सीओसी में लग कर सकते हैं 30 मिनट के लिए। अगर आप जैविक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो सूडोमोनस 10 ग्राम प्रति किलो और ट्राइकोडर्मा वेडी 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। पहले उसको सूडोमोनस के अंदर 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ट्रीट करते हैं, बाद में ट्राइको उसको 4 ग्राम करके उसको कुछ समय के लिए ड्राई करने के लिए 4-5 दिन के लिए शेड में रखा जाता है, और अगर बाद में जरूरत लगे तो आप केमिकल से ट्रीट कर सकते हैं। जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, नॉर्मली लैंड की तैयारी मानसून शुरू हो, पहला मानसून है उससे पहले कर दी जाती है। जमीन को एकदम भरभरी बना दिया जाता है 3 से 4 बार प्लाउ करके। अगर आपका जमीन का पीएच बहुत कम है, एसिडिक जमीन है, लैटराइट सॉइल है, तो आपको हाइड्रेटेड लाइम मतलब चूना 250 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। जैसे ही पहला प्री मानसून शावर आ जाता है, पहली बरसात गिर जाती है, तो उससे पहले बेड बनाते हैं जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होती है और लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दो बेड के बीच में 50 सेंटीमीटर का अंतर रख सकते हैं। प्लांटिंग नॉर्मली बेड बना के और फरो, रिज और फरो बोलते हैं, मतलब बेड को पानी जो दिया जाता है फरो से दिया जाता है। नॉर्मली जमीन की तैयारी पहली हार्वेस्ट, जैसे पिछला क्रॉप होता है उसका हार्वेस्ट होने के बाद तुरंत कर दिया जाता है, या फिर बरसात शुरू होने से पहले के पहले करते हैं। जब प्लाव किया जाता है तो 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई वाला एरिड मतलब तपाया हुआ सॉइल सोलराइज किया हुआ 1 महीने तक किया जाता है, और फिर 2 से 3 बार उसका हैरो करने के बाद में जमीन तैयार होता है। टेम्पररी रिजेस बनाए जाते हैं ताकि सॉइल, अगर आपका पहाड़ों पर है और स्लोपी लैंड है तो पहले से ही रिज बना दिए जाते हैं ताकि जमीन का धुआं अटकाया जा सके। तो मैंने सॉइल सोलराइजेशन की बात करी कि सॉइल सोलराइजेशन वो तरीका है जिसमें सन का इस्तेमाल करके जमीन को खुला रख दिया जाता है ताकि अलग अलग तरह के जीवाणु की ग्रोथ और अलग अलग खरपतवार की जो बढ़ावा है उसको अटकाया जा सके। अगर सोलराइजेशन अगर हमने करते हैं टर्मरिक लगाने से पहले तो बहुत सारे रोग होने वाले जो जीवाणु होते हैं वो नियंत्रण में रहते हैं। प्लांटिंग करने का सिस्टम दो तरह से किया जाता है, एक जो मैंने आगे बताया रिज और फरो सिस्टम, या फिर फ्लैट बेड सिस्टम से करते हैं, मतलब बेड को फ्लैट रखा जाता है। अगर आपका रेन फेड मतलब बरसाती खेती कर रहे हैं और आपकी सॉइल एकदम लाइट है मतलब रेती वाली ज्यादा है तो आप फ्लैट बेड से कर सकते हैं। फ्लैट बेड जो होते हैं वो 1 मीटर पौड़ाई के होते हैं और लंबाई उसकी डिपेंड करती है कि जितनी रखनी चाहिए, और अगर आप स्लोप में हैं मतलब तो पहाड़ों पर हैं तो स्लोप के हिसाब से आपको लंबाई रखनी होती है। रिज फरो की मैंने आगे ऑलरेडी बात कर दी है, उस तरह से हमें करना है। फ्लैट बेड पर अगर आप प्लांटिंग कर रहे हो तो 25 बाई 2.5 सेंटीमीटर का अंतर एक हर डायरेक्शन में होता है। रिज फरो के अंदर 40 से 60 सेंटीमीटर दो बेड के बीच में असर होता है और 25 सेंटीमीटर का ऊंचाई के हिसाब से होता है। राइजोम जो नॉर्मली रहते हैं अगर बाड़ा के ऊपर, मतलब रिज को बाड़ा बोलते हैं, तो 1/3 हाइट के ऊपर नॉर्मली रखा जाता है। प्लांटिंग सीजन,
ब्रांडिंग सीजन नॉर्मली मई से जुलाई के बीच में होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में है। महाराष्ट्र के अंदर नॉर्मली मई के अंदर सबसे अच्छा माना जाता मतलब किया जाता है। कर्नाटक तमिलनाडु में अप्रैल से मई में बुआई की जाती है। केरला में और दूसरे वेस्ट कोस्ट के एरिया में जहाँ पे बरसातें जल्दी शुरू हो जाती हैं वहाँ पे क्रॉप का प्लांटिंग अप्रैल मई में हो जाता है, जैसे ही पहली बरसात आ जाती है उसके तुरंत बाद। प्लांटिंग डिस्टेंस अंतर पूरा होल या स्प्लिट मदर का दो दो टुकड़ा करके जो मैंने आगे बताया उससे प्लांटिंग की जाती है और एकदम हेल्दी और डिजीज फ्री राइजोम्स को लिया जाता है। छोटे छोटे पिट्स बना दिए जाते हैं हाथ हो से जिसका अंतराल मतलब छोटे छोटे खड्डे 25 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर का खड्डा किया जाता है। जो पिट रहते हैं उसके अंदर एकदम अच्छा खासा सड़ा हुआ गोबर खाद या कंपोस्ट डाला जाता है। सीड जो राइजोम रहते हैं उसको रख दिया जाता है, उसके बाद में उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। जो अंतराल परो और रिज का है 45 से 60 सेंटीमीटर बोड़ाई का रहता है रो के बीच में, और दो प्लांट्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन अराउंड गोबर खाद अगर आप यूज कर रहे हो तो 12 से 15 टन प्रति एकड़ की जरूरत रहती है। ब्रॉडकास्ट करके डालते हैं, प्लाव करते समय उसको डाल दिया जाता है एज ए बेसल। फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के हिसाब से एनपीके 24 20 48 का प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्लिट डोज में दिया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी 10 किलोग्राम कॉम्बी सॉइल जो हमारा आता है उसे प्रति 10 किलो प्रति एकड़ देते हैं प्लांटिंग के समय। और अगर आप ऑयल केक जैसे कि नीम खली है या फिर कैस्टर केक है तो उसको भी 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप नीम खली या फिर कैस्टर केक दे रहे हैं तो आप गोबर खाद का प्रमाण घटा सकते हैं। इसके साथ में अगर आप साउथ में कर रहे हैं कर्नाटका में केरला में तो आप कोयर कंपोस्ट भी ले सकते हैं 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर खाद के साथ में, और उसके साथ में आप उत्कर्ष का माइक्रोब्स भी ले सकते हैं, और आधा जो रिकमेंडेशन है एनपीके का वो आधा डोज भी साथ में नीचे डाल सकते हैं। ये एनपीके के हिसाब से है। बेजल में आपको खाली P2O5 मतलब DAP या SSP डालना है, जैसे हमारा आगे शेड्यूल भी आएगा। 45 दिन के बाद में नाइट्रोजन और K2O देना है, और 90 दिन के बाद में जो भी बचा हुआ खातर है वो देना है। ये 2 3 स्प्लिट डोज के अंदर हो जाएगा। ये जो डोजेज है ये ड्रिप से अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए है शुरुआत के पहले 15 दिन के अंदर एनपीके रिक्वायरमेंट नॉर्मली 10 20 10 की रहती है, तो आप 19 19 13 0 45 और यूरिया ये कितने किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से देना है। तो ये अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अगर आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो आप इस तरह से दीजिए। 270 दिन का पूरा शेड्यूल है ड्रिप वाला। अभी हमने अपना नॉर्मली ज्यादातर किसान नॉन ड्रिप वाला में रहते हैं तो उसके हिसाब से ये शेड्यूल है। इसमें सीड ट्रीटमेंट माइक्रोब्स और वेमोस की करें, बुआई के समय कंपोस्ट DAP या SSP और MOP कॉम्बी सॉइल और मल्चिंग मटेरियल डालें, और उस समय उगने के बाद 30 दिन के बाद में आपको स्प्रे भी करना है प्राइमोल स्ट्रेस फ्री और फंग फ्री का। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर आपको हॉर्स पावर स्ट्रेस फ्री यूरिया MOP वो सब देना है। ब्रेंचिंग द्वारा स्प्रे द्वारा सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा फिर वापस से सॉइल एप्लीकेशन और ड्रेंचिंग करना है, स्प्रेइंग कॉम्बी टू और उसका करना है, और लास्ट में 135 से 270 दिन के बीच में आपको सॉइल एप्लीकेशन में यूरिया MOP देना है और ड्रेंचिंग करना है माइक्रो पंक्री और वेमोजेल का। ये अगर हम करते हैं तो हमारा पौधा बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, बहुत सारे जमीन जन्य रोग से दूर रहता है, और जमीन में जो भी हमारे पड़े हुए तत्व उनका अच्छा यूज होता है। जो आपको रिकमेंड किया है उसका ये चार्ट है कि सीड ट्रीटमेंट माइक्रोब्स और वेमोस का बेजल डोज में कॉम्बिसॉल, ये हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। पंक्री स्ट्रेस फ्री और प्राइमोल का स्प्रे ड्रिप्स या दे रहे हैं ड्रेंचिंग दे रहे हैं तो हॉर्स पावर रूट 25 स्ट्रेस फ्री 60वें दिन पे स्ट्रेस फ्री और कॉम्बी टू का स्प्रे, माइक्रोब्स वेमोजेल पंक्री का ड्रेंचिंग 60वें दिन पे कॉम्बी टू और स्ट्रेस फ्री का स्प्रे, और लास्ट में ड्रेंचिंग या ड्रिप द्वारा माइक्रोब्स वेमोज और पंक्री। अभी हम देखेंगे अलग अलग रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो देखे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करेंगे और उनकी कमी दिखती है तो उसका क्या यूज करना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी के अंदर जो नीचे वाले पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर ये नीचे वाले पत्ते का इस तरह के धब्बे आपको दिखाई देते हैं तो आप जैसे रिकमेंड किया यूरिया है या अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर नीचे के पत्तों में अगर पर्पल गुलाबी टाइप का रंग दिख रहा है तो वो फॉस्फोरस की कमी है। अगर आपने शुरू में फॉस्फोरस यूज नहीं किया है तो आपको ग्रोथ उसका अच्छा नहीं आ पाएगा। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में आप SSP या DAP दे सकते हैं, या ड्रेंचिंग में या ड्रिप के द्वारा या स्प्रे के द्वारा 12x64 0x34, या आप हमारा उत्कृष्ट का पॉलीफॉस्फेट जिसके अंदर 3 तरह के फॉस्फोरस आते हैं वो दे सकते हैं। पोटेशियम की कमी के अंदर पोटेशियम जो रहता है खूब महत्व का तत्व रहता है। उसके अंदर सिम्टम्स के अंदर नीचे के पत्ते के अंदर इस तरह से धार जलनी शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से जो क्वालिटी आनी चाहिए और जो वजन आना चाहिए वो नहीं होता है। पोटैश की कमी दिखाई देती है तो आप नीचे MOP हमारे ऑलरेडी शेड्यूल के अंदर है ही, उसका उसके हिसाब से दे सकते हैं, या आप SOP 13045 या MKP का स्प्रे भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर पत्ता होता है वो लाल रंग का कन्वर्ट हो जाता है, जो उसकी नसें होती हैं वो पीले रंग की होती हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा पत्ता पीला कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आप जमीन में या स्प्रे के द्वारा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम EDTA जो हमारे मैग्रीन के नाम से आता है वो आप दे सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर ग्रोथ अटक जाती है, पत्ते सफेद होकर पीले होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो पत्ते होते हैं उनका कलर चला जाता है। तो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर या लाइम लिक्विड लाइम सल्फर यूज कर सकते हैं 90% WDG के हिसाब से, या आप सल्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर जो नया पत्ता होता है उसके अंदर जो नसें रहती हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, नसों के बीच का भाग, और नसें पूरी की पूरी हरी रहती हैं। जमीन पर अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हो तो जिंक सल्फेट दीजिए, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो जिंक EDTA करिए। इसके लिए आपको 2 से 3 बार हमने कॉम्बिडू का स्प्रे करने के लिए बोला है ताकि सारे के सारे माइक्रोबियन आ जाए। आयन की कमी होती है तो पूरा का पूरा पत्ता पीला पड़ना शुरू हो जाता है, सिर्फ मेन बीच की नस ही ग्रीन दिखाई देती है। इसकी वजह से क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर आप जमीन आपकी 4.5 साढ़े 7 के ऊपर है अगर, तो आप FEDT का स्प्रे कर सकते हैं। 6.5 के आसपास की अगर जमीन है तो आप FEDTP जो हमारा FE-Aquarium के नाम से आता है, और आप ड्रिप या ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो आपको FE-EDA की जरूरत है। अगर आपके जमीन का पीएच 4 से 10 के बीच में, मैंगनीज की कमी के अंदर नॉर्मली नए पत्तों में दिखाई देती है, इसमें पत्ते जरा छोटे होने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट को दे सकते हैं नीचे, या मैंगनीज EDTA का स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इरिगेशन के बारे में, पानी के बारे में क्या देखते हैं। टर्मरिक एक हाई डेल्टा क्रॉप है, जैसे गन्ना है या चावल है, हाई डेल्टा क्रॉप उसे कहा जाता है जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, खास करके समर सीजन मतलब गर्मियों में उसे हर हफ्ते पानी की जरूरत रहती है। पानी की कितनी जरूरत है वो डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे और सॉइल के टाइप पे। पहला पानी आपको प्लांटिंग से पहले देना है, दूसरा पानी तुरंत पानी देने के बाद प्लांटिंग के बाद देना है, उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पे आपको पानी देना है। 20 से 25 इरिगेशन, 270 दिन के आसपास का क्रॉप रहता है तो 20 से 25 इरिगेशन देने रहते हैं पूरे अंतराल में। इंटरक्रॉपिंग, टर्मरिक को एज ए इंटरक्रॉप भी आप कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली मैंगो है, जैक फ्रूट है, लीची है, और अगर आप वेस्ट कोस्ट में हैं तो वहाँ पे नारियल है, सुपारी है, इनके बीच में इसका इंटरक्रॉप किया जाता है। ज़्यादातर कैस्टर और चौलाई पिजन फी को भी बॉर्डर पे लगाया जाता है और उस करने के लिए। महाराष्ट्र के अंदर फ्रेंच बीन के साथ इसका इंटरक्रॉपिंग किया जाता है। नॉर्मली प्याज है, धनिया है, मेथी के साथ भी इसको इंटरक्रॉप में धार पे लगाया जा सकता है। लाल चौलाई और कैस्टर जैसे आगे बताया उनको भी लगाया जा सकता है। वीडिंग की जरूरत जब जरूरत हो उस तरह से करनी चाहिए। नॉर्मली पारा चढ़ाया जाता है सेकेंड दूसरी बार और चौथी बार जब ड्रेसिंग करते हैं तो उस समय चढ़ाया जाता है। इसको मिक्स क्रॉप की तरह भी यूज करते हैं। नॉर्मली सब्जियां जैसे कि चिली है, प्याज है, बैंगन है, भिंडी है, सीरियल जैसे कि मक्का है, फिंगर मिलेट है, उनके साथ में इसको मिक्स क्रॉपिंग में भी इसकी खेती की जाती है। क्रॉप रोटेशन के अंदर अगर बात करते हैं तो गन्ने के बाद में, चिल्ली के बाद में ऑनियन, गार्लिक, सूरन, सरसों
सब्जियां पल्सेस वीट रागी इन सब के बाद में टर्मरिक को लगाया जाता है और एक एज ए सब्सिडरी क्रॉप की तरह भी अदरक के साथ में लगाया जाता है कुछ एरिया के अंदर, और कुछ एरिया के अंदर इसको मिर्ची और जो जल्दी उगने वाली सब्जियां होती हैं उनके साथ उनके सब्सिडरी में भी लगाया जाता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरल प्रैक्टिसेस। मल्चिंग का खूब ज्यादा महत्व रहता है जो ग्रीन पत्ते रहते हैं उनका, क्योंकि रेस बेड पे किया जाता है और जो बेड रहता है वो सॉफ्ट बनाने के लिए भी ग्रीन मल्चिंग किया जाता है। इसकी ग्रीन मल्चिंग की वजह से एक तो जर्मिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो जमीन अच्छी धूल नहीं जाती है। ग्रीन मल्चिंग की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जमीन में ऐड होता है और भेज भी पकड़ के रखता है। नॉर्मली ग्रीन मल्चिंग करनी है तो मिक्स क्रॉप, मिक्स लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जिसमें अच्छा नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट होता है, जैसे एकेलिफिया वीट हो गया, जिसके अंदर पोटेशियम कंटेंट अच्छा हो, कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस का भी एज ए मल्च काफी अच्छा यूज किया जाता है। पहला मल्च जो है वो नॉर्मली ग्रीन मल्चिंग किया जाता है, नॉर्मली 4 से 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी बार वापस मल्चिंग की जाती है 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से 50वें दिन प्लांटिंग के, और उसके बाद में गाय की गाय के गोबर की स्लरी बना के ब्रेड पे लगा दी जाती है, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी हो जाए और न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाए। वीडिंग भी की जाती है, खरपतवार को दूर किया जाता है, डिपेंड करता है कैसा आपका खरपतवार की ग्रोथ है। वो इस तरह के मटेरियल यूज करने चाहिए ताकि खरपतवार मिनिमम हो और प्रॉपर ड्रेनेज पानी का हो जाए, क्योंकि अगर पानी भरता है तो वो टर्मरिक के क्रॉप के लिए नुकसानकारक रहता है। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में वीडिंग रहता है। नॉर्मली पहले फर्स्ट 4 से 6 वीक के अंदर वीडिंग की जाती है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि 5 से 6 बार वीडिंग करने की जरूरत होती है। नॉर्मली वीडिंग को 60वें दिन, 90वें दिन, 100वें दिन प्लांटिंग किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन वीड इंटेंसिटी। आप वीडिसाइड यूज कर रहे हैं तो आप पेंडीमिथेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अराउंड 800 ml प्रति एकड़, या मेट्रीब्यूजान 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में देकर 2 से 3 दिन प्लांटिंग करने के बाद आप दे सकते हैं। वीडिसाइड का स्प्रे करने के बाद में आप पूरे फील्ड को ग्रीन मैन्योर से या फिर पैडी स्ट्रॉ मतलब सूखे घास से भर दें। अर्थिंग अप ऑपरेशन जो रहते हैं वो नॉर्मली रूट डेवलपमेंट अच्छा हो, क्योंकि अर्थिंग अप करते हैं मतलब पाड़ा चढ़ाते ही मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है ताकि जड़ें अच्छी तरह बनती हैं। नॉर्मली 50 से 60 दिन के बाद में अर्थिंग अप किया, पहला अर्थिंग अप करता है और उसके उसके 40 दिन के बाद में सेकेंड अर्थिंग अप किया जाता है। अब हम अलग अलग तरह के इंसेक्ट देखेंगे, उसका नियंत्रण जैविक तरह से और केमिकल तरह से कैसे करना है वो देखेंगे। शूट बोरर, शूट बोरर जो रहता है वो अंदर शूट के अंदर घुस जाता है और उसकी वजह से पत्ता ये देखिए पीला पड़ना शुरू हो जाता है और इस तरह से छेद भी उसके ऊपर दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 0.1% का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जुलाई से अक्टूबर के बीच में। ज्यादा अगर देखा जाता है तो डाइमिथियोन 250 ml प्रति 150 लीटर पानी में, या क्विनालकोस 250 ml प्रति 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं तो निमोस गोल्ड का 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी या निमोस सीपी का 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो शूट बोरर का नियंत्रण अच्छा होगा। राइजोम स्केल, राइजोम स्केल जो रहता है वो नॉर्मली एडल्ट फीमेल जो रहती है वो रस चूस डालती है, और बहुत ज्यादा अगर रहता है तो पत्ते एकदम सूख जाते हैं और जर्मिनेशन के ऊपर भी असर आती है। ये आप जो पौधा देख सकते हैं, इसका नियंत्रण करने के लिए जो भी राइजोम के ऊपर ये लगा है उसको आप निकाल के फेंक दें, जो भी नुकसान करके, और उन पत्तों को जला डालें। अगर ज्यादा आपके एरिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप क्विनाइल फॉस से उसका सीड ट्रीटमेंट करें, और शीप का मैन्योर अगर आपके यहाँ मिलता है तो 10 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से 2 बार में डालें। तो अगर ये करते हैं तो हम इसको आराम से नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, डाइमिथियोट या पोस्टलेन के साथ का ब्रेंचिंग करें,
और अगर जैविक तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप बायोक्लिनशिप का 203 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। थ्रिप्स, थ्रिप्स जो रहता है वो नॉर्मली पत्ते के पीछे की साइड पे रहता है, जो नए पत्ते होते हैं उसके ऊपर ही थ्रिप्स देखा जाता है और वो पूरा रस चूस डालता है और पत्ते को रोल कर डालता है। बहुत ज़्यादा अगर थ्रिप्स होती है तो पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप थ्रिपोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैविक तरह के लिए नीमोस गोल्ड या बायोक्लिनशिप का 203 ml कर सकते हैं, केमिकल नियंत्रण के लिए क्विनालपोस, फेंटियन या फोस्टलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ रोलर या स्किपर, ये लीफ रोलर जीवा कीड़ा है, ये नॉर्मली पत्ते को खा फोल्ड कर डालता है, उसको खा जाता है, उसके पत्ते के अंदर रहता है। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बोराइल या डाइमेथियोट का केमिकल ले सकते हैं। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप उत्कृष्ट बायोक्लिनशिप का 203 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। लेसविंग बग, लेसविंग बग जो रहता है वो छोटे छोटे सफेद रंग के धब्बे कर डालता है पत्ते के फ्रंट के ऊपर, वो नॉर्मली पीछे की साइड पर होता है। जो भी जहाँ पे उसकी कॉलोनी होती है वो पहले पीले रंग के ब्राउन होकर सूखा डालता है। इसके नियंत्रण के लिए आप पत्ते के पीछे की साइड पर उत्कृष्ट बायोक्लीनशिप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छंटकाव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। बिहार हैरी कैटरपिलर, ये इसको बोलते हैं बिहार हैरी कैटरपिलर, इसके ऊपर बाल होते हैं और काफी जब बड़ा होता है तो काफी नुकसानकारक हो जाता है। तो अगर आपको जहाँ दिखता है तो वहां पे इससे हाथ हाथ से पकड़ कर इसको दूर कर ले और 2 से 3 स्प्रे करें उत्कृष्ट बायोक्लीनशिप का 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। राइजोम फ्लाई, राइजोम फ्लाई जो होते हैं वो काले रंग के होता है और एकदम कीड़ी कीड़ी की तरह होता है और अंडे देता है नॉर्मली पौधे के नीचे की साइड पे। नॉर्मली अक्टूबर से लेकर क्रॉप जब तक पूरा नहीं होता तब तक ये दिखाई देता है। ये गांठों को भी नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको पहले तो जो राइजोम या जो गांठें ले रहे हैं तो वो डिजीज फ्री होनी चाहिए। अगर आपको दिखता है तो आप कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जमीन के अंदर बायोक्लीनशिप को स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं। वाइट ग्रब, ग्रब जो रहते हैं वो इतने काफी बड़ी साइज का सफेद रंग का कीड़ा रहता है जो पूरे का पूरा अंदर जाकर पूरा का पूरा पौधे को खराब कर डालता है और एक अगर उसका नियंत्रण नहीं होता है तो पौधे को खत्म कर डालता है। इसके नियंत्रण के लिए जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर देखा कि सफेद है तो उसको निकाल के वहां दूर कर देना है और उसको खत्म कर डालना है। नॉर्मली इसका कारण होता है कि अगर आपने जो कंपोस्ट यूज किया है उसको अगर पूरे तरह से अगर आपने डीकम्पोज नहीं किया है तो वाइट ग्रब का कॉमन प्रॉब्लम है। जैविक तरह से नियंत्रण करने के लिए आप उत्कृष्ट का ग्रब नील 1 लीटर प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में डालकर गोबर खाद के साथ भी इसको दे सकते हैं और बहुत अच्छा शाम के टाइम दीजिए, नियंत्रण बहुत अच्छा होता है। छोटी मोटी पेस्ट जो देखी गई है जैसे लीमा स्पीशीज है पत्तों के ऊपर नॉर्मली खाती है खास करके रेनी सीजन के अंदर, इसके नियंत्रण के लिए आप मेलाथियन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जैविक तरह से नियंत्रण करने के लिए ये इस तरह के ट्रांसपेरेंट तरह की दिखती है लेकिन बहुत कम बार दिखाई देती है, या फिर आप उत्कृष्ट बायोक्लीनशिप का 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मैंने बायो क्लीनशिप और निमोल गोल्ड की बात करी, उनकी बॉटल इस तरह से दिखाई देती है। अभी अब देखते हैं नेमेटोड, रूट नॉट नेमेटोड, बरोइंग नेमेटोड और लेजियन नेमेटोड। रूट नॉट नेमेटोड होते हैं वो नॉर्मली जो सॉफ्ट राइजोम्स होते हैं और उसके रूट्स में सूडोसेम में छोटा छोटा कर डालते हैं, वो पौधे को जड़ों के अंदर गांठे बना डालते हैं। ये एकदम कॉमन सिम्टम है जो ऊपर से दिखाई देता है। नॉर्मली गांठों के अंदर गांठें दिखाई देती हैं जो इन्फेस्टेड जिसके ऊपर रूट नॉट नेमेटोड लग जाता है वो नॉर्मली ब्राउन कलर का बन जाता है, पानी के अंदर सोखा हुआ इस तरह का हो जाता है और नेमेटोड जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पूरी की पूरी गांठ को सड़ा डालता है। इसके नियंत्रण के लिए जो भी खराब पौधा है उसको आप निकालिए, उसको खत्म कर दीजिए। नेमेटोड्स का प्रॉब्लम अगर आपके विस्तार में ज्यादा है तो गर्म पानी के अंदर 50 डिग्री पानी के अंदर 10 मिनट तक गांठों को रखो और फिर उसको बुआई करो। इंटरक्रॉपिंग करिए, मैरीगोल्ड मतलब गेंदा फूल की डीप प्लॉइंग करिए, सॉइल सोलराइज करने के लिए रखिए बेड को समर के दौरान।
क्रॉप रोटेशन फॉलो करिए, जैसे कि दलहन क्रॉप का, या फिर अपना गेंदा फूल, क्रिसेंथियम, सस्बीनिया, कैस्टर बीन, इन सब का आप कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन। बॉर्डर के अंदर आप राई ग्रास लगा दीजिए, कवर क्रॉप लगा दीजिए, या मल्च सीड मल्च बेड कर दीजिए। और अगर ज़्यादा प्रमाण में अपने को नेमेटोड दिख रहा है तो आप निमेटोनिल या नेमेटोस का 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 2 बार इस्तेमाल करिए। जो आपको निमेटोनिल की बोतल इस तरह से दिखाई देती है, निमेटोस का, निमेटोस एल और पी पाउडर फॉर्मुलेशन भी आता है, लिक्विड भी फॉर्मुलेशन आता है। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज। राइजोम रॉट खूब कॉमन है, इसकी वजह से जड़ें कम हो जाती हैं, पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, जो इन्फेक्टेड रहता है उसमें उसका कलर बदलना शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप राइजोम जो रहते हैं उसको केमिकल ट्रीटमेंट के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनेप के अंदर 30 मिनट तक बुढ़ा के रखिए, फिर लगाइए। अगर आप जैविक तरह से कर रहे हैं तो सूडोमोनस का एप्लीकेशन 1 किलो प्रति ग्राम एकड़ के हिसाब से करिए, अगर आपके यहाँ दिखता है। और आप उत्कर्ष का फंग भी 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से भी ड्रेंचिंग करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट के अंदर इस तरह के लंबे तरह के धब्बे इलेप्टिकल या ऑब्लोंग स्पॉट दिखाई देते हैं। सेंटर जो रहता है वो ग्रे कलर का रहता है, उसके आसपास में ब्राउन हो जाता है और उसके बाहर का भाग पीला दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करिए, या आप जैविक तरह से नियंत्रण करने के लिए उत्कर्ष के पंखड़ी का भी स्प्रे कर सकते हैं। लीव ब्लाइट, लीव ब्लाइट जो नॉर्मली है वो राइजोक्टोनिया सोलानी नाम के फंगस की वजह से होती है। ये नॉर्मली मॉनसून के बाद ये रोग दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेनिज्म या बोडो मिश्रण का स्प्रे कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए फंगफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसके सिम्टम्स के अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स, पहले ड्रॉट दिखाई देते हैं वो जो बाद में इस तरह से बड़े हो जाते हैं। लीफ ब्लॉच, लीफ ब्लॉच के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे 1 से 2 mm डायामीटर के बहुत सारे संख्या में डॉट्स दिखाई देते हैं। रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं नॉर्मली ग्रीन की बजाय। इसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जैविक तरह नियंत्रण के लिए कंक्री का 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ड्राई रॉट, ये डिजीज के अंदर जो रूट रॉट बोलते हैं, या इसको ड्राई रॉट भी किया जाता है, तो अफेक्टेड जो पौधे रहते हैं, जो गांठें रहती हैं वो नरम बननी शुरू हो जाती हैं और सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में हार्ड हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो राइजोम गांठें होती हैं उसको कार्बेनिज्म के साथ ट्रीट करिए, या फिर आने के बाद में इसको ड्रेंचिंग करिए ट्राइकोस के साथ में या फंक्री के साथ 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। ट्राइकोडर्मा की बोतल इस तरह से दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा बीडी आता है, सूडोमोनास जो बार बार बताया था, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस आता है सूडोस एल के नाम से। और ये फंगफ्री की जो बात कर रहा था मैं आपको, फंगफ्री के अंदर अलग अलग तरह के फंगस रहते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा बीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, एम्पेलोमाइसिस, क्विस कॉलिस और बहुत सारे अलग स्पीशीज भी होते हैं। अभी हम बैक्टीरियल विल्ट के बारे में देखेंगे। बैक्टीरियल विल्ट के अंदर फटाफट विल्टिंग होती है और पूरा पौधा मरना शुरू हो जाता है बिना पीला हुए, और सारी की सारी डालियां एक साथ में सूखनी शुरू हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम 10 लीटर पानी में। और अगर आप जैविक तरह से करते हैं तो आप सूडोज एल का 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से या स्प्रे ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये अलग अलग जो डिजीज हैं हमने जो रिकमेंडेशन दिया है वो सारे के सारे एक समरी में आ जाती है, और इसका ये फोटोग्राफ भी है कि कौन से डिजीज के लिए, कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सी दवाई का आपको इस्तेमाल करना है, निमेटोनिल, ग्रबनिल, निमोसीपी, बायोक्लिनसीप। हार्वेस्टिंग, टर्मरिक का क्रॉप जो नॉर्मली 8 से 9.5 महीने के बाद में तैयार होता है, जो पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू होते हैं, सूखने शुरू हो जाते हैं और झुकने शुरू हो जाते हैं। 15 दिन पहले ऊपर का भाग को काट लिया जाता है, तो निकालने से 1 दिन पहले हल्का सा पानी दिया जाता है ताकि खुदाई आराम से हो सके।
नॉर्मली कुदाली के मदद से या डिगिंग फोर्क की मदद से इसको निकाला जाता है, जो जो भी गांठे बाहर निकलती हैं उससे मिट्टी दूर की जाती है जड़ों से। फिंगर मदर मत मातृ छोर और गांठों को अलग किया जाता है और उसको शेड के अंदर रख दिया जाता है। पूरी तरह से तैयार और डिजीज मुक्त राइजोम को होता है वो उसको अलग रख के और उसको सीड के लिए यूज किया जा सकता है। नॉर्मल यील्ड जो फिंगर सेट रहते हैं वो 6 से 7 7.5 टन प्रति एकड़ आता है, और रॉ मदर सेट जो रहते हैं वो 1000 से 1200 किलो प्रति एकड़ आता है। ये जो ग्रीन रहती है मतलब मॉइस्चर वाली रहती है उसका वजन है। अगर ऊपर की क्वांटिटी रहती है तो नियरली 1000 से 1200 किलो ड्राई पॉलिश टर्मरिक आपको आराम से मिल सकती है सूखा पाउडर। अभी हमने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट आप हमारे कंपनी से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के नंबर हैं, या हमारी आप वेबसाइट से www.utkarshagro.com से खरीद सकते हैं, या अमेजोन फ्लिपकार्ट मोगलिक्स एग्रोशिया एग्री बेगरी बिघाट वगैरह से भी आप खरीद सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिटेल ट्रेड इंडिया इंडिया मार्ट जसडायल पे भी है। हमारी कंपनी जो आपको प्रोडक्ट बनाया है उसके अलावा बहुत सारी कंप्लीट रेंज बनाती है बायो फर्टिलाइजर्स की, बायो पेस्टिसाइड्स की, हमारे EDTH रिलेटेड फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स, एक्वेरियम प्लांट्स के फर्टिलाइजर्स, एमिनो रिलेटेड फर्टिलाइजर्स, स्प्रेडर्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की कंप्लीट रेंज है हमारे पास में। मीडिया है और फर्टिलाइजर्स है हाइड्रोपोनिक्स के लिए, फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की भी कंप्लीट रेंज है, और नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर नीम के तेल, थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए, वायरस के लिए, फंगस के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे पास में काफी सारे उपलब्ध हैं। और PGR आधारित हमारे प्रोडक्ट जैसे यूमिक एसिड, बीम प्लस, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस प्री, जाइमोस वगैरह भी मिलते हैं। शुक्रिया मित्रों, आपने लास्ट तक देखा, पूरा प्रेजेंटेशन देखा और काफी कुछ सीखा। ये हमारी रेगुलरली अलग अलग वेबिनार्स यूट्यूब पे और फेसबुक पे रहते हैं, तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अभी ये इसके बाद हमारा सोयाबीन का वीडियो आने वाला है अगले हफ्ते, तो ये हमारे मॉनसून के पहले के क्रॉप होते हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए। आपको कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आपका फोटो खींच के भी भेज सकते हैं। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।